हेलो दोस्तों, आज हम एक नए शेयर से रिलेटेड बातें करेंगे जिसका नाम है एनआरबी बियरिंग लिमिटेड। 290 रुपए का ये स्टॉक है, ठीक है। 402 रुपए का इसने फिलहाल में कुछ दिन पहले यहाँ पर हाई बनाया था। 290 के आसपास ये शेयर चल रहा है, तो ऑलरेडी अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। ऊपर से कंपनी करती क्या है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, चार्ट यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वो सब चीजों से रिलेटेड बातें करेंगे। बट उससे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन करें। बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, खुद की स्टडी करना, चीजों को सीखने पर फोकस करना, और सीखने के लिए क्या है, वीडियोज। इतने सारे वीडियोज बनाए गए हैं कि आप अगर सीखना चाहो तो अच्छे से सीख सकते हो। बट इसके अलावा बारीकियां सीखनी है, क्योंकि बारीकियां ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, बेसिक्स टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च फंडामेंटल। शेयर को कब लेना चाहिए, कब बेचना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, शेयर कब भागते हैं, कब गिरते हैं, वो सब कुछ आइडिया आपको लग जाएगा इस कोर्स को करने के बाद। 25,000 रुपये का कोर्स है। 3 मंथ्स की हैंड होल्डिंग स्ट्रेटजी यूज इन स्टॉक मार्केट, ऑनलाइन नोट्स, ये पूरी सब चीज ये आपको दी जाएगी। 8860540501, 8169261037, दो नंबरों को सेव कर लीजिए और आप हमसे क्या कर सकते हो, कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप अगर साथ में काम भी करना चाहते हो तो भी इन नंबरों पे कांटेक्ट करके आप हमारे साथ काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एनआरबी बियरिंग लिमिटेड की बात करेंगे। तो देखिए, हैज हैव पायनियर्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नीडल रोलर बियरिंग इन द इंडिया सिंस 1965। मोर देन 90% ऑफ द व्हीकल रनिंग ऑन द रोड, इंडियन रोड, आर रनिंग ऑन द बियरिंग मैन्युफैक्चरिंग बाय एनआरबी, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी क्या करती है, कंपनी यहाँ पर ये नीडल रोलर बियरिंग बनाती हुई नजर आती है। और जो इंडिया में 90% जो व्हीकल्स है ना, ऑन रोड जो दिखाई देते हैं, वो इन्हीं का प्रोडक्ट यूज करते हुए दिखाई देते हैं। जाके एक बार यहाँ पर चेक करें, मार्केट लीडर भी है, ठीक है ना। और इसका चार्ट अगर आप लॉन्ग टर्म देखोगे ना, आपको चीजें समझ में भी आएगी कि शेयर, देखिए, एक ही डायरेक्शन में चीजें गिरती है, ऑब्वियसली बात है, बार बार गिरी है, ठीक है। गिर के यहाँ पर आधी और उससे ज्यादा भी गिरा है, 50, 60, 70, 80% तक शेयर गिरा है। बट जब चल उसके बाद जब चला है तो यहाँ पर मल्टीबैगर रिटर्न भी दिए है। इस चीज को भी हमेशा भूलना नहीं है, ये चार्ट हमें बार बार बताता भी है। इसके अलावा आप एनआरबी बियरिंग के बारे में जानना चाहते हो तो इसकी वेबसाइट को थोड़ा सा विजिट कर लीजिए, आपको पूरा का पूरा एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के इनके प्रोडक्ट है, ठीक है। इंजीनियरिंग डिजाइन, प्रोडक्ट फाइंडर, वो सब चीज आपको यहाँ पर पता चलती हुई नजर आएगी कि इनके प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑटो एंसिलरी आप कह सकते हो ये कंपनी है। इसके अलावा हम थोड़ा सा आगे बढ़ते और जानते हो और कंपनी के बारे में। तो देखिए, मार्केट कैप 2800 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। मतलब क्या है स्मॉल कैप? जब मैं स्मॉल कैप की बात करूं तो दो चीजों को हमेशा याद रखना है। क्या याद रखना है? सबसे पहली बात, हमारे चैनल का नाम आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर है, ठीक है ना, हमारी एक्सपर्टीज इसमें है। दूसरी बात, जब मैं स्मॉल कैप की बात करूं तो रिस्क को याद रखना है। कैसे रिस्क को याद रखना है? देखिए, सही टाइम पर लेना है, सही टाइम पे बेचना है। सही टाइम पर लोगे, सही टाइम पे बेचोगे तो ये छोटे छोटे शेयर है ना, पैसे बनाते हैं। बट अगर आप गलत टाइम पे लोगे और फंस जाओगे तो याद रखिएगा, शेयर जब गिरेगा तो आपसे 50-50% तक, 70%, 80% इस तरीके के रिटर्न है ना, आपसे ले जाएगा। बट जब चीटे भागेगी तो अच्छा खासा पैसा भी देके जाएगी। इस चीज को भी हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो ये स्मॉल कैप की होती है। तो स्मॉल कैप का मतलब क्या है, पैसे भी ज्यादा बनेंगे बट रिस्क भी उतनी ही इन्वॉल्व है। बात कर रहे स्टॉक के पी की, तो 26 का पी है, इंडस्ट्री का पी 30 का है, तो सस्ता नजर आता है। बट स्टिल मैं हमेशा कहता हूँ पी के बेस पे काम नहीं करना और पी को इग्नोर भी नहीं करना है ना, दोनों चीज को हमेशा याद रखना है। अब दोनों चीज के मायने क्या है, दोनों चीज के मायने अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर फिट होते हुए नजर आते हैं, ठीक है। आरओसी आरओई की बात करें तो कुछ खास यहाँ पर नजर नहीं आता, 14-12 के आसपास है, ठीक है। यहाँ पर सेल्स ग्रोथ देखोगे तो थोड़ी सी है। आप यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो यहाँ पर 63% बढ़ता हुआ नजर आया है, ठीक है। 2 का फेस वैल्यू भी है, डिविडेंड भी कंपनी देती हुई नजर आती है, डेट फ्री लगभग शेयर नजर आता है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो और जानेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा। सेल्स, कंपनी की सेल्स देखोगे तो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, ठीक है। कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है बीच में, बट स्टिल बात करें तो सेकंड हाईएस्ट एवर सेल्स यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है मार्च 2023 के बाद, ठीक है। 302 करोड़ की, जो कि ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस पे अच्छी खासी है। नेट प्रॉफिट की भी अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ईयरली क्वार्टरली दोनों बेसिस पर अच्छा खासा है। अच्छा खासा यहाँ पर कंपनी का मार्जिन आ रहा है 17% के आसपास का। इसके अलावा नेट प्रॉफिट भी देखोगे तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। 25 करोड़ से 36, 26 से 36, हाँ, तो अच्छा खासा यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट भी नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है।
बात करते थोड़ी सी और आगे बढ़ते और जानते हैं तो आपको समझ में आएगा कंपनी की सेल्स ईयरली बेस पे, तो ईयरली बेस पे जहाँ पर एक फ्लैट रेंज में यहाँ पर घूम रहा था वहां पर अब धीरे धीरे यहाँ पर तरक्की होती हुई नजर आ रही है। शेयर थोड़ा सा अच्छा खासा काम करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। प्रॉफिट भी आप देखोगे तो प्रॉफिट भी अच्छा खासा नजर आता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो रिजर्व्स नजर आएंगे, कंपनी के जो रिजर्व्स है धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ठीक है। लगभग 900 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स है। अब 900 करोड़ के रिजर्व्स है तो कंपनी आगे चल के बोनस भी अनाउंस कर सकती है। बोरोइंग की बात करें तो देखिए यहाँ पर बोरोइंग जो 300 करोड़ 350 करोड़ की थी वो धीरे धीरे घट के 150 करोड़ की हो गई है। अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि कंपनी जो ज्यादा इंटरेस्ट 22 23 24 करोड़ रुपए का यहाँ पर सालाना देती थी, अब धीरे धीरे करके वही यहाँ पर इंटरेस्ट क्या होगा 16 करोड़, ठीक है, और 16 20 है ना 18 करोड़ इसके आसपास आ जाएगा। जिसका फायदा क्या होगा? जिसका फायदा नेट प्रॉफिट पे दिखाई देगा कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, ईपीएस बढ़ता हुआ नजर आएगा, और फिर जब ये चीजें बढ़ेंगी तो ऑब्वियस सी बात है शेयर में जान आ सकती है। वर्किंग प्रोग्रेस में लगभग 22 करोड़ रुपए लगा रखे हैं, 83 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। कैश की बात करें तो लगभग यहाँ पर देखोगे तो 69 करोड़ का कैश भी पड़ा हुआ है ना। और चीजों को और ज्यादा ध्यान से देखना है तो कैश फ्लो पॉजिटिव नजर आते हैं। और आगे बढ़े तो प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ देखिए लगभग 48.9% की होल्डिंग थी दिसंबर तक, ठीक है, दिसंबर 2022 तक। उसके बाद थोड़ी सी इन्होंने होल्डिंग बढ़ाई मार्च 2023 में, ठीक है, जो कि एक एक रेंज में रही। फिर उसके बाद आप देखोगे कि इस पर्टिकुलर क्वार्टर में और इससे पहले भी यहाँ पर प्रमोटर्स ने क्या बढ़ाई है, हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो प्रमोटर क्या कर रहे हैं? बाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अब एफआईज की बात करें, एफआईज यहाँ पर बेचते हुए नजर आ रहे हैं। जो 23% की होल्डिंग थी वो धीरे धीरे करके 13% लगभग 10% बेच चुके हैं। डीआईज की बात करें, वो ही डीआई जो 11% होल्ड करते थे उनके पास लगभग 17% किया, और पिछले 2 3 क्वार्टर से वो भी बेचते हुए नजर आ रहे हैं, बट 17% है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो इन्होंने बेचा था वो यहाँ पर कहीं ना कहीं डीआईज ने खरीदा, थोड़ा बहुत माल यहाँ पर पब्लिक के पास आता हुआ नजर आया, ज्यादा नहीं 18%। लगभग 65,000 इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्टेड है, ठीक है, बट अच्छे खासे एफआईज है, अच्छे खासे डीआईज है, और थोड़ी ही पब्लिक यहाँ पर इन्वेस्टेड है। इस चीज को भी हमेशा याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि यहाँ देखिए इन्होंने म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर 90,000 शेयर बेचे हैं। सितंबर में यहाँ पर आरती दिवेश ने यहाँ पर 78,000 बेचे हैं। अगस्त में इन्होंने ही यहाँ पर 78,000 शेयर बेचे हैं। तो यहाँ पर बेचना लगा हुआ है। साथ में बात करें खरीदारी की तो प्रमोटर्स आप देखोगे तो सितंबर में प्रमोटर्स ने 3,73,000 खरीदे हैं, इससे पहले 1,51,000 खरीदे, उससे पहले देखोगे 79% 79,000 शेयर यहाँ पर खरीदे गए। तो मतलब एक्सचेंज जो इक्विटी का एक तरीके का एक्सचेंज होता हुआ नजर आया। तो प्रमोटर ग्रुप थोड़ा कोई बेच रहा है जिसे लग रहा है कि बेच देना चाहिए, जिसे लग रहा है कि पोटेंशियल है वो यहाँ पर खरीदते हुए नजर आ रहे हैं, जिनकी कंपनी है वो यहाँ पर खरीद रहे हैं। अब आगे बढ़ते और जानते हैं कंपनी के यहाँ पर चार्ट क्या कह रहे हैं, बट उससे पहले हम बात करें यहाँ पर तो आपसे रिक्वेस्ट है, बाइंग सेलिंग की बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को स्टडी करना है, चीजों को सीखना है, समझना है, और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, नंबर को नोट कर लीजिए, कॉल करिए, मैसेज करिए, कोर्स की डिटेल ले लीजिए, साथ में काम करना है तो भी आप कर सकते हैं। अब देखिए कंपनी के नंबर नंबर सब अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं, मार्केट साथ नहीं दे रही है, ठीक है। एफआईज डीआईज की सेलिंग लगातार एफआईज की सेलिंग लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिस वजह से मार्केट टिक नहीं रहा है। जब मार्केट नहीं टिक रहा है तो इसलिए क्या हो रहा है, शेयर अगर भागने की कोशिश भी कर रहा है ना यहाँ पर भी देखोगे तो ये शेयर 8 9% तक यहाँ पर भागता हुआ नजर आया था फ्राइडे को, बट आप देखोगे तो गिरावट उसके बाद दोबारा यहाँ पर रिट्रेस हो गया और चीजें नीचे आ गई। क्यों? क्योंकि मार्केट में गिरावट आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें तो क्या यहाँ पर नजर आता है, मुझे नजर आता है कि एक थोड़ा सा अगर मैं लंबे तरीके से देखूं तो आपको समझ में आएगा कि डबल नहीं ट्रिपल बॉटम बनाता हुआ नजर आया है। जब इस तरीके के ट्रिपल बॉटम होते हैं ना तो काफी अच्छा अच्छा रहता है चार्ट के लिए, ठीक है, शेयर के लिए अच्छा नजर आता है। बट अभी अगर हम बात करें रिस्क की तो यहाँ पर देखिए अगर कोई मिड टर्म की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 244 रुपीज का लगभग 40 45 रुपए का यहाँ पर रिस्क नजर आता है, ठीक है, इधर तक शेयर आ सकता है। बट जिस तरीके के चांसेस यहाँ बने हैं, ठीक है, मैं खुल के बात नहीं करना चाहता, बट मैं यहाँ पर अगर आप देखूं तो आप मुझे नजर आता है कि यहाँ से शायद एक तेजी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर 328 से लेके ये शेयर 350 और 400 रुपए की तरफ यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और इस शेयर में बिकवाली की जगह खरीदारी ज्यादा हुई है, ठीक है, जो कि यहाँ पर चार्ट देख के नजर आ रहा है। और हम बात करें यहाँ पर कुछ और चीजों की तो ये चीज जैसे ही निकलेगी, ठीक है ना, यहाँ पर ट्रेंडिंग लाइन से जैसे ही चीजें निकलेगी तो शायद 1 2 क्वार्टर और कंपनी यहाँ पर अच्छा खासा प्रदर्शन कर सकती है। अगर ये सब चीज होती है तो मुझे लगता है कि ये शेयर आने वाले टाइम में 500 600 भी अगर टच कर जाए,
ठीक है ना, 2025 में ये चेयर लास्ट तक, अगर 1 साल के अंदर अंदर नवंबर से नवंबर देखे या दिसंबर देखे, अगर ये 500 रुपये 600 रुपये टच कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी मेरे लिए, ठीक है ना। काफी बेहतरीन, काफी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर नजर आता है, डेट फ्री शेयर है, रिजर्व्स है, सब चीज यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर नजर आती है, कंपनी अच्छा खासा काम कर रही है, और शेयर ऑलरेडी ऊपर से अगर हम बात करें टॉप से तो अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है, ठीक है। मिड टर्म के व्यू से यहाँ पर एक बार देख लेना चाहिए, ठीक है। बट स्टिल यहाँ पर देखोगे अच्छा शेयर 38% 40% के आसपास टूट चुका है, ठीक है। 40% तक टूटा था, अभी बात करें तो लगभग लगभग अभी भी 26% गिरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी ऐसे शेयरों में बनती हुई नजर आती है, ठीक है। कुछ बीच में खराब होगा तब यहाँ पर देखेंगे, बट अभी फिलहाल की डेट में मुझे कुछ खराब नहीं, मुझे अच्छा नजर आता है यहाँ पर। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करिएगा, चीजों को ध्यान से देखने देखिएगा, सीखिएगा, समझिएगा। और बता देता हूँ एक चीज, तो यहाँ पर आप देखोगे कल की डेट में जब यहाँ पर आप 5 मिनट के चार्ट पे जाओगे, ठीक है, यहाँ पर गैप अप हुआ था, और गैप अप में आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा लगभग 6 साढ़े 6 लाख शेयर यहाँ पर बाई किए गए थे, ठीक है ना। और उसके कंपैरिजन में आप देखोगे ना तो बिकवाली ना के बराबर हुई है, शेयर बेचे बिल्कुल भी नहीं गए, ठीक है। तो ये चीज क्या बताती है, ये चीज बताती है बस मार्केट का प्रेशर है। मार्केट अगर ठीक होती तो ये शेयर शायद आज की डेट में 350-400 रुपए के आसपास ही आपको मिलता हुआ नजर आता है, बट स्टिल कोई नहीं, बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, चीजों को सीखने पे गौर करना है, फरमाना है ना। तो उसके लिए कोर्स है, साथ में काम कर सकते हो, आपको काफी सारी चीजें यहाँ पर समझ में आती हुई नजर आएगी। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।